जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2022 का पेपर है आपका, तो मैथ के 20 क्वेश्चन देखा जाएगा। ये इस 20 क्वेश्चन से आपको चाहे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम देना हो, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम देना हो, हर एग्जाम के लिए मैं बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक से भी संबंधित इसमें प्रश्न है आपके इस एग्जाम में, फार्मूले पे भी बेस्ड है, तो उन सभी चीजों को डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा, आपके लिए बहुत कीमती समय निकाल के वीडियो बनाते हैं हम, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, शेयर जरूर करिएगा और जय हिंद जरूर लिखिएगा, और आपके जो डाउट हो उनको जरूर पूछिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट का पर्सनली रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। आप कमेंट करेंगे, मैं पर्सनली आपके जो भी कमेंट डाउट रहेंगे उनको दूर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एसएससी जीडी से संबंधित जो भी आपके डाउट हो जरूर, और अलग से भी डाउट हो आप कमेंट करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन देखा जाएगा। ए एक कार्य को 8 दिनों में और बी 24 दिनों में करता है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले, देखो क्या चीज दिया है, 4 दिन पहले ए छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्न में क्या है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कार्य तो पहले छोड़ दे रहा है, हमें तो दिनों की संख्या पता नहीं है कि काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है। तो मैं आज आपको ऐसा एक तरीका बताऊंगा, आप इस तरीके से बहुत आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले क्या है, ए 8 दिनों में करता है, बी 24 दिनों में करता है। अब हमें क्या करना है, 8 और 24 का क्या लेना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य। 8 और 24 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 24, यानी वर्तमान में हमारा टोटल काम कितना है, 24। लेकिन यहाँ पे अब तुरंत आपको जाना है कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। पहले हम कर लेते हैं, 8 से इसको डिवाइड करते हैं 3 बार, 24 से डिवाइड करते हैं 1 बार। ए क्या चीज है, ये 3 जो आया है इसका मतलब ए पर डे 3 काम करता है, बी पर डे 1 काम करता है। अच्छा, अब आपको कहा जा रहा है कि ए जो है 4 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो मत छोड़वाइए उसको। हम क्या करते हैं, 4 दिन और उसको काम करवा लेते हैं, क्या करते हैं, और उससे 4 दिन काम करवा लेते हैं कि कर लीजिए भाई, ए जाइए मत, कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, 4 दिन और काम करा लेंगे आपसे, तो पर डे कितना काम करता है, 3 काम करता है, तो 4 दिन और कर लेगा तो कितना काम करेगा, 12 काम करेगा। तो 24 काम पहले से ही हुआ है, 24 काम तो दोनों मिलके किसी तरह किए हैं ना, लेकिन अगर 4 दिन और एक काम करता तो कितना काम करता, 24 और 12 जोड़ दीजिए। अब 24 और 12 जोड़ लीजिए, यानी ये 12 हमने क्यों जोड़ा, क्योंकि हमको अंत तक ए से काम करवाना था, ए को हमें जाने नहीं देना था। अब ए और बी दोनों अब अंत तक करने लगे, समझ में आया। 3 और 1 जोड़ दीजिए, जब दोनों मिल के काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 3 और 1 जोड़ दीजिए, और अब इस दोनों काम के योग में 4 से भाग दे दीजिए। 24 और 12 जोड़ेंगे 36, 4 से भाग देंगे, हमारा आंसर क्या जाएगा, 9 दिन। क्या आंसर हो जाएगा, 9 दिन। अगला क्वेश्चन, 20 लीटर और 36 लीटर के दो कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:7 और 7:5 है। यदि दोनों कंटेनरों को एक दूसरे में मिश्रित कर दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो जब भी आपके पास ऐसा अनुपात का प्रश्न रहे तो आप क्या करना, देखो पहला जो है क्या है, 20 लीटर और इसका अनुपात क्या है, 3:7। आपको या कुछ भी मानने की जरूरत ही नहीं है, आप इन दोनों अनुपात का टोटल करिए। क्यों करिए, क्योंकि ये दोनों अनुपात का टोटल ही 20 लीटर है, इस वजह से। तो 3 और 7 10। अब अगला काम क्या करना है, जोड़ने पे जो आता है इस क्वांटिटी में भाग दीजिए, कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार भाग जाएगा। अब इस 2 का गुणा फिर अनुपात में कर दीजिए अलग अलग, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, ये आपका क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा और ये वाटर हो जाएगा। सेम प्रोसेस आपको इसके साथ, 7 और 5 जोड़ दीजिए 12, 12 से 36 में भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब फिर 3 का गुणा कर दीजिए, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 21 = 27, 15 और 14
29। दूध और पानी का तीसरे में अनुपात क्या आ जाएगा, 27 और 29 का। बताइए कितने लाइन में सवाल लगा, इतना बड़ा क्वेश्चन को अगर आप तीन लाइन में लगा ले रहे हैं तो अब क्या चाहिए। ठीक है, रामू और मोहन अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 2 घंटे के एक साथ कार्य करने के बाद मोहन कार्य छोड़ देता है, रामू शेष कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा। अगर मान लो कार्य करने के बाद, अब देखो क्या अगर पहले वाला सिस्टम रहता तो हम कराते, लेकिन जब बाद में जब दिया रहेगा तब उसको मत कराना कि नहीं अंत तक करा लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना आप। तो देखो इसको कैसे करेंगे, कौन कौन है, रामू है, मोहन है, कितने घंटे में, 10 घंटे में और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद, तो पहले आप क्या करिए, 10 और 16 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल लीजिए 80, यानी हमारा कुल काम कितना है, 80 यूनिट है। क्या है, 80 यूनिट। 10 से भाग देंगे 8 बार, 16 से भाग देंगे 5 बार। ठीक है, 10 से भाग दिया 8 बार, 16 से भाग दिया 5 बार। अब 8 और 5, अब हमसे क्या करा है, 2 घंटे एक साथ काम किए, तो दोनों मिल के जब काम करेंगे तो 8 और 5 13, 2 घंटे करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, 26 काम हो जाएगा। 80 में से कितना काम हो चुका आपका, 26 काम हो चुका, तो 80 में से 26 घटा दीजिए तो कितना बचेगा हमारा, 80 में से 26 घटा देंगे 54 बचेगा। अब रामू बच रहा है, मोहन अब काम नहीं करेगा, मोहन अब इस काम से निकल गया, बचा कौन, रामू, तो 8 से भाग दे दीजिए, कट करेंगे 2 से 4 बार, 2 से 27, 27 बटे 4, तो 27 बटे 4 वैल्यू किसका होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, 25 बटे 4, 6 6 24, 1 25 बटे 4, 7 चौक 28, 3 31 बटे 4, 5 चौक 20, 3 23 बटे 4, 6 चौक 24, 3 27 बटे 4। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन पे कह रहा है 5,750 रुपए पे एक वर्ष के लिए 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज के बीच कितना अंतर है। समय कितना है, यहाँ पे एक वर्ष है, कितना है समय, एक वर्ष, तो एक वर्ष के लिए जो दर होगा वह कितना होगा, 16%, लेकिन यही दर जब अर्धवार्षिक काम करने लगेगा, क्या, अर्धवार्षिक काम करने लगेगा, तो इसका जस्ट आधा हो जाएगा यानी 8%। और जो आपका ये वन ईयर था, 6-6 महीने के दो पार्ट में बनेंगे तो अब आपका कितना हो जाएगा, ये दो हो जाएगा। ठीक है, और अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, जब 8% को आप करोगे तो देखो यहाँ तो 16% है, लेकिन दो साल के लिए कितना हो जाएगा, प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 गुणे 8 बटे 100, फर्क क्या पड़ता है, यही जो आपका आएगा प्लस 16 प्लस 0.64। देखो यहाँ 16% तो है ही, ये आपका जो 0.64 है ना, यही प्रभाव डालता है, यानी 16.64। तो हमसे पूछ रहा है कितना अंतर है, तो आप बस क्या करिए, इस 5,750 रुपए का 0.64% निकाल लीजिए। क्या, 5,750 का, तो जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आए तो आप बस क्या करना, मैं बता दूं, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। मान लो यहाँ पे 10% रहता, तब क्वेश्चन बदल दिया, तुरंत मैं इसका आधा करता, कितना होता, 5, 5 का स्क्वायर करता 25 और 0.05 लगा देता, यानी इसका 0.25% निकाल देता। यहाँ पे 16% है, मान लो अब कोई कह दे कि सर अगर 20% रहता तब क्या करते, जस्ट इसका आधा करते 10% और 10% का क्या करते, स्क्वायर, यानी कि क्या जाता, 1%, क्या, 1% निकालना रहता, क्यों, 21 आता, 21 में से 20 घटाते 1% हो जाता, तो 5,750 का 1% निकाल लेते, तो हमें क्या चाहिए, 0.6%, तो 5,750 गुणे 0.64%, तो 0.64 बटे 100,
तो ये दशमलव हटाना चाहते हैं हम, तो दो जीरो और बढ़ा दीजिए। अब कट करते हैं, जीरो से जीरो कट जाएगा, फिर और किससे कट करेंगे, 25 से कट हो जाएगा, 25 से 40 बार, 25 से इसको कट करेंगे, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 23 का गुणा, 4 से कट जाएगा 16, 4 से कट जाएगा 10, 16 का गुणा करते हैं, 16 तिया 48 को 8, 4 बचा 16 दूनी 32 और 4 36, और नीचे हमारा कितना है 10, आंसर कितना जाएगा 36.8 रुपए, यही अंतर होगा ऑप्शन ए में। सोहन अपनी पूरी यात्रा को तीन बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी सोहन को मान लो किसी जगह पे जाना है तो क्या करता है, उसको तीन बराबर भाग में बांट देता है, और अपनी कार से पहले भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरे भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और अंतिम भाग को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो उसकी पूरी यात्रा के दौरान उसकी कार की औसत चाल क्या हो, तो देख लो एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ, लिख लेना। जैसे आपका जब दो बराबर दूरियां रहती हैं तो आप क्या फार्मूला लगाते हैं, दो गुड़े प्रथम स्पीड गुड़े दूसरा स्पीड बटे दोनों स्पीड का टोटल, ये आप किस में लगाते हैं, जब दो बराबर दूरियां होती हैं। लेकिन यहाँ पे आपका तीन बराबर दूरियां हैं तो इसका फार्मूला भी लिख लीजिए क्या है। मान लो एक्स है दूरी, ए भी है दूरी, तो एक्स है दूरी तो बराबर है, दूरी क्या है तीनों बराबर है, स्पीड अलग अलग है एक्स वाई जेड, तो फार्मूला क्या होता है, तीन एक्स वाई जेड बटे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यानी क्या हो गया, तीन पहला स्पीड गुड़े दूसरा स्पीड गुड़े तीसरा स्पीड, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला, तो फार्मूला याद रहेगा तो आप कर लोगे। देखो अब हम करते हैं, तीन गुड़े 30 गुड़े 40 गुड़े 50, और नीचे कितना आ जाएगा, पहला स्पीड गुड़े दूसरा 1200 प्लस 40 2000 प्लस 50 का गुड़ा 30 में 1500, तो नीचे कितना आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 2000 1500, 3500 और 1200 4700, इनका गुड़ा करते हैं, 3 3 9 4 36 5 180, और 1 2 3 जीरो बढ़ा देंगे। अब दो जीरो से दो जीरो काट देते हैं, 1800 बटे 47, तो देखते हैं कितना आता है, 47 से तीन बार जाएगा, 47 से तीन बार 141 और कितना बच जाएगा 39, यानी कि हमारा कितना बच गया 390, यानी कितनी बार भाग जा सकता है, 8 बार जा सकता है, तो 38 सही। अब देखो कहाँ पे आपका है 38 और नीचे 47, यहाँ पे 35 है, इस वजह से गलत, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। राहुल एक निश्चित दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और उसी मार्ग से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या थी, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या चीज है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर से वापस, यानी 2 × 4 × 3 और नीचे आपका 7, क्या हो जाएगा 2 × 4 = 24 और बटे 7 औसत चाल निकल जाएगा, 7 × 3 = 21, 3 कहाँ पे है सिर्फ यही में, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर 7 × 4 = 28, 2 बचेगा, लगभग 3.43 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी थे, निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी, कुल मतों का 70% मतदान हुआ, यदि मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में डाले गए तो बी को कितने मत प्राप्त हुए। तो देखो जितना वोट पड़ा ए को, अगर 60% पड़ा जो मतदान हुआ है, तो बी को कितना मिलेगा, 100 में से 60 घटा देंगे, यानी जितना वोट पड़ा है उसका 40%, तो हमें सबसे पहले ए निकालना होगा कि कितना वोट पड़ा है। तो देखो 90,000 का कितना परसेंट, 70%, 70% मतदान हुआ है, यानी 7/10 लिख दे दीजिए,
बी को कितना मिला 40%, यानी 2/5 कर दीजिए। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 5 से कट करेंगे, 1800, 1800 का गुणा 2 में 3600 और गुणे 7 कर देंगे, 0 0 7 6 42 को 2 और फिर आपका 4 बचा 7 3 21 4 25, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 25200। क्या 25200? इस तरीके से भी कर सकते हो और ट्री मेथड से भी कर सकते हो। कुल वोट कितना है 100%, 70% मतदान हुआ, 30% मतदान नहीं हुआ। इस 70 का 60% ए पाया और 40% बी पाया, तो 70 का 40% कितना हो जाएगा 28, यानी कुल मतों का 28% आप निकाल लो, तो 90,000 का 28% निकाल लेते तब भी आपका आंसर आ जाता 25200। हर्षी ने स्टोर से एक नई स्वेट शर्ट खरीदी जब वे 40% की छूट दे रहे थे। यदि स्वेट शर्ट का अंकित मूल्य 2999, तो ये बस आपको घुमाने के लिए बताया है 2999, इसको मान लो 1 रुपए का कितना अंतर आएगा, बहुत कम, आप मान लो 3000, आप मान लो क्या 3000। अब 40% की छूट है तो कितना रुपए पेमेंट करना पड़ेगा, 60%, तो इसका 60% 3/5, 5 से कट करेंगे 600, 600 का 3 में गुणा करेंगे 1800, लेकिन हमने 1 रुपया एक्स्ट्रा लिया था तो थोड़ा सा कम कर दो, 1 रुपए का 40% कम कर दो, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो 1800 के एकदम पास होगा। ये तो 1900 हो जा रहा है, तो ये होगा नहीं, ये तो बहुत ऊपर है, ये भी बहुत ऊपर है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। करें दो शंकुओं के अनुपात 3:2 में है और उनकी त्रिज्या 3:4 के अनुपात में है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या है? तो शंकु का फार्मूला क्या होता है, देखिए आयतन का अनुपात क्या है 3 और 2, ये पहला शंकु ऊपर दूसरा नीचे, तो शंकु का फार्मूला होता है आयतन का 1/3 πr²h। तो देखो ये r1²h1 और नीचे में क्या कर देंगे 1/3 πr²h2। तो अब देखिए 1/3 π 1/3 π से कट जाता है, हम लोग क्या करेंगे त्रिज्या का करेंगे, तो यहाँ त्रिज्या का 3 का² क्या हो जाएगा 9, 4 का² 16, h1/h2। अब 9 यहाँ पे आ जाएगा, गुणा हो जाएगा तो यहाँ हटा दीजिए, 16 यहाँ पे हो जाएगा, कट करते हैं 2 से 8 बार, 3 से 3 बार, हमारा क्या रेशियो आ जाएगा ऊंचाई का 8 और 3 का, क्या रेशियो आ जाएगा 8 और 3 का। करें एक मेज जिसका अंकित मूल्य 300 रुपया है, 20% और 10% की क्रमिक छूट दी गई, अगर इसके अलावा नगद भुगतान पर 5% की और छूट दी जाती है तो मेज का नकद मूल्य क्या है? तो देखो 300 पहला डिस्काउंट क्या है 20%, यानी 80/100 को क्या लिखो हमेशा 4/5, 20% डिस्काउंट को क्या लिखेंगे 80/100 यानी 4/5, 10% डिस्काउंट को, 10% डिस्काउंट को आपका क्या लिखा जाएगा 9/10, फिर 5% का डिस्काउंट यानी 95/100 को क्या लिखा जाएगा 19/20। अब देखिए 0 से 0 दो जीरो काट दिया हमने, अब नीचे क्या बचा 5 × 2 = 10 बचा, ऊपर में क्या बचा 3 × 4 = 12, 12 × 9 = 108, 108 और गुणे आपका 19, 19 का गुणा करते हैं 19/152 को 2, 15 बचा 5 लिख देंगे, 19 × 19 = 20 और यहाँ पर 10 क्या आ जाएगा हमारा 205.2, क्या आ जाएगा ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा 205.2। करें डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है, यह बताएं कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसका शॉर्ट ट्रिक लिख लीजिए, डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट
100 माइनस डिस्काउंट और गुणे 100, इसका ये शॉर्ट ट्रिक है। तो क्या करेंगे, 20 और 10 को जोड़ दीजिए 30, और नीचे 100 में से डिस्काउंट घटा दीजिए 80 और गुणे आपका 100। 20 से कट करेंगे 4 बार, 20 से कट करेंगे 5 बार, 30 का गुणा 5 में होगा यानी 150/4। 150/4 का जो वैल्यू आएगा 37.5%। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। करें, एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरू की 30 मिनट के बाद। जैसे मान लो यहाँ पे कोई चोर है, इसका स्पीड क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप ये सोचिए कि 30 मिनट में कितना दूरी तय कर लेगा, 30 मिनट में 30 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। अब चोर पहुंच गया कहाँ पे, यहाँ पे पहुंच गया। अब पुलिस 80 किलोमीटर प्रति घंटा, पुलिस कहाँ से, यहाँ से ही पुलिस स्टार्ट करती है, यहाँ से। इसका स्पीड क्या है पुलिस का 80, चोर का कितना है 60। तो अब देखो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों क्या एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो हम निकालेंगे यहाँ पे रिलेटिव स्पीड, क्या निकालेंगे रिलेटिव स्पीड। तो 80 में से क्या करेंगे 60 को घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा रिलेटिव स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस 20 किलोमीटर प्रति घंटा से जितना दूरी चोर आगे निकल चुका है उसमें भाग दे देंगे, तो 30 में 20 का भाग देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये नहीं आएगा सॉरी, 5/2 नहीं 3/2 घंटा, यानी कि 1.5 घंटा। क्या 1.5 घंटा जो है हमारा आंसर हो जाएगा। कर रहे, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसको करेंगे, इस वाले को करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2 और प्लस आपका 2/7, तो कितना हो जाएगा 7 × 2 = 14 और ये प्लस 2 हो जाएगा -12/7, क्या हो जाएगा ये -4/5 गुणे -12/7। अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 12 × 48/35, 48 क्या आ गया, उसका वैल्यू 48/35 आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहां से यहां तक भाग है तो ये क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा 12, यानी ये भी आ जाएगा क्या आपका -48/7, और यहाँ पे क्या है भाग का चिन्ह है। तो अब -48/7 और गुणे कर देंगे 35/48, गुणा भाग को गुणा में बदलते हैं और इसको ऊपर ऊपर से नीचे कर देते हैं, 48 से 48 कट जाएगा, 7 से कट करेंगे 5 बार, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा -5। -5 का मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 रुपए से 14,580 हो गया। वस्तु के मूल्य में मूल्य ह्रास की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो इसको हम जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला से लगाएंगे। हम मान लेंगे हमारा मूलधन कितना है, हमारा मिश्र धन जो है 14,580 हो गया, तो हम मान लेंगे हमारा रुपया घट रहा है, तो 14,580 ऊपर लिखेंगे और हमारा मूलधन नीचे, यानी मिश्र धन बटे मूलधन बराबर 100+R और बटे 100, कितना वर्षों में, 2 वर्षों में। अब इसको कट करते हैं, 0 से 0, 2 से कट करेंगे 900 और 2 से इसको कट करेंगे 729। तो अब देखो 729 किसका स्क्वायर है और 900 किसका स्क्वायर है, तो अभी ये किसी से कटेगा क्या, 9 से कट जाएगा, 9 × 8 = 72, 9 × 1 = 9, 9 से 100 बार, तो 81 किसका स्क्वायर है 9 का, 100 किसका स्क्वायर है 10 का। तो ऐसे लिख सकते हो आप 100+R और बटे 100, यहाँ स्क्वायर कर दीजिए। आप क्या कर सकते हो, ये घात हटा सकते हो। अब घात हट गया तो इस 0 से इस 0 को काट दीजिए, 10 का गुणा 9 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 = 100+R। R बराबर क्या आ जाएगा 90 - 100, यानी हमारा क्या आया R का वैल्यू -10,
यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो मूल्य ह्रास की दर होगी 10%। कह रहा है पेट्रोल की कीमत 92 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 96.5 रुपए प्रति लीटर कर दी गई, पेट्रोल की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो देखिए 92 रुपए से कितना बढ़ के हो गया 96.5, यानी वृद्धि कितना हुआ 4.5 का। नीचे क्या लिखेंगे 92 और गुणा कर देंगे 100 का। अब इसको 45 कर देते हैं, इसको 0 बढ़ा देते हैं, तो 0 से 0 खत्म, 4 से कट करेंगे 23 बार, 4 से 2.5 हो जाएगा। चलो अब इसको ये तो 45 हो गया है आपका, 0.5 हटा के 45 का 2.5 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 45 × 90 और आपका 112.5/23, तो 23 × 25 = 115। तो लगभग लगभग हम पूरा निकालते हैं क्योंकि 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, 23 × 92 कितना बचा 20 बचा, 23 × 92 20 बचा, तो 205 हो जाएगा, 205 तो 23 × 9 = 207, तो लगभग लगभग आपका क्या हो जाएगा 4.9%। क्या 4.9%, क्योंकि 8 बार जाएगा फिर करेंगे फिर जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 4.9% आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 24 और 36 का तृतीय समानुपाती, तो तृतीय समानुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं, जो बाद वाली संख्या है इसका 2 बार मल्टीप्लाई करिए और पहली संख्या से भाग दे दीजिए। 12 से कट करेंगे 2 बार, 12 से कट करेंगे 3 बार, 2 से कट करेंगे इसको 12 बार, 12 का 3 सॉरी गलती हो गया कुछ, 36 × 36 और बटे आपका 24, 12 से 3 बार, 12 से 2 बार, 2 से इसको कट करेंगे 18, 18 का गुणा 3 में करेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 54। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियां प्रत्येक 475 रुपए में बेची, एक पर 25% का लाभ और दूसरी पर 20% की हानि हुई। यदि उसने प्रत्येक दोनों कुर्सियों को 575 रुपए में बेचा होता तो उसका हानि प्रतिशत। तो हमें सबसे पहले इस ऐसे प्रश्न में क्या करना होता है, निकालना होता है कुर्सी का क्रय मूल्य। तो दोनों बार निकाल लेते हैं, 475 पे कितना हो रहा है 25% का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 का गुणा और ये नीचे 125, तो ये कटेगा 4 बार, ये कटेगा 5 बार, 5 से इसको कट करेंगे, 5 × 9 = 45 और 5 × 5 = 25, 95 का गुणा 4 में करेंगे 380, यानी पहली जो कुर्सी है उसका क्रय मूल्य क्या है 380 रुपये। अब ये जो 20% हानि पे बिकी है 475 × 100 और बटे आपका क्या आ जाएगा 80, 20 से 5 बार, 20 से 4 बार, 400 इससे कट करते हैं 4 से, 4 × 4 = 4, 4 × 4 = 4, 4 × 8 = 32, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, 5 का गुणा करेंगे, 5 × 5 = 25 को 5 2 बचा, 5 × 7 = 35, 2 × 37 को 7 3 हासिल, 5 × 8 = 40, 3 × 43 को 3 4 बचा, 5 × 5 = 9, 5 × 5 = 5, यानी दूसरा जो कुर्सी है उसका क्रय मूल्य क्या है 593.75। अब क्या कह रहा है, फिर से 575 में बेचता है दोनों कुर्सियों का, तो दोनों कुर्सियों का अब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 575 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 × 2 = 1,150 रुपये। अच्छा, तो दोनों कुर्सियों का क्रय मूल्य क्या है जोड़ लेते हैं, 0.75 और यहाँ पे 3, 8 × 9 = 17 = 7, 5 × 3 = 8 = 9, यानी दोनों कुर्सियों का जो क्रय मूल्य है 973.75 है और विक्रय मूल्य क्या है 1150। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसको निकाल लेते हैं, यानी कि हम 1150 में से घटाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.25 आ जाएगा, यहाँ 9 है, 9 में से 3 जाएगा 6, 14 में 7 जाएगा 7,
यहाँ पे 10 में से 9 जाएगा 1, यानी 176.25 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे? 973.75 पे। तो 176.25 नहीं लिखते हैं क्योंकि नीचे भी दशमलव आएगा, 973.75 और गुणा क्या करेंगे 100 का। यहाँ भी दो अंक पे दशमलव, यहाँ भी दो अंक पे दशमलव, तो दशमलव हटा के लिख दिए अब। और प्रॉफिट ही आएगा, एक चीज ध्यान देना, प्रॉफिट ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हानि वाला तो हो ही नहीं सकता है। अब 25 से कट करते हैं, 25 सत्ते 175, एक बचा 0, 25 पचे 125, 25 से इसको कट करते हैं, 25 तिया 75, 22 बचा, 25 वटे 200, 23 बचा, 25 नवा 225, 12 बचा, 25 पचे 125। फिर 5 से काटते हैं, 5 से एक बार, 4 बार, एक बार, फिर 5 से इसको काटते हैं, 5 सते 35, 5 सते 35, 5 नवा 45, यानी 141000 बटे क्या है हमारा 779, तो 779 से भाग देते हैं। तो पहली बार एक बार जाएगा, 11 में 9 या सॉरी यहाँ पे 779, भाग देंगे, 10 में से 9 गया आपका 1, 10 में 7 गया 3, 13 में 7 गया 6, 0 उतार लेंगे। अब देखेंगे कितनी बार भाग जाएगा, लगभग आपका 8 बार जाएगा, 8 से करते हैं, 8 9 72 को 2, 7 बचा, 8 सते 56 और 7 63 को 3, 6 बचा, 8 सते 56 और 6 62, तो आपका लगभग कितनी बार गया 18%, क्या 18%, ऑप्शन हो जाएगा सी। करें 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है, यानी 28 के वर्ग को हम विभाजित कर रहे हैं जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। तो 42 और 56 को कौन विभाजित कर सकता है? 14 कर सकता है। अब 14 से 28 के वर्ग को विभाजित किया जा रहा है, यानी 28 गुणे 28 कर दीजिए तो आपका परिणाम क्या मिलेगा? तो 14 से कट करेंगे दो बार, यानी हमारा परिणाम क्या मिलेगा? 56 मिलेगा। हमसे यही पूछ रहा है कि परिणाम क्या है, भाग देने पर क्या आएगा। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है, तो 3 घंटे में कितना चल लेगा? 108 का 3 में गुणा करेंगे 324 किलोमीटर। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल क्या है? 108, समय क्या है 3, दूरी आ जाएगी 324। अब कह रहा है यदि चाल 27 किलोमीटर प्रति आवर कम कर दी जाती है, तो 108 में से 27 घटा देंगे, हमारा क्या आ जाएगा? 81 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है अब समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो यानी 81 से भाग दे देंगे, 81 से कट करेंगे आप, क्या आ जाएगा? 4 घंटा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी। ए इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन रहेगा, एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर है, इस गोले का आप क्या करिए? आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन का फार्मूला, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई 22 बटे 7 आर स्क्वायर, यही फार्मूला होता है, 4 पाई आर स्क्वायर कितना है? 1386। 4 से कटेगा क्या? नहीं, 22 से देख लीजिए, 22 छक्का 132, 22 तिया 66, अब आर स्क्वायर बराबर 63 गुणे 7 और बटे 4, आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? इसको आप क्या लिख सकते हैं? 7 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 7 और नीचे 2 गुणे 2। मैंने ऐसा क्यों लिखा? ताकि पेयर बनाने में आसानी हो, तो ये 3 का पेयर, ये 7 का पेयर, ये 2 पेयर, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 21 बटे 2 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 बटे 2, आर का वैल्यू क्या आ गया? 10.5। अब हम क्या कर सकते हैं? गोले का आयतन निकाल सकते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गोले का आयतन का फार्मूला,
4/3 गुणे 22/7 गुणे त्रिज्या का क्यूब यानी आर का क्यूब करेंगे 21/2 गुणे 21/2 गुणे 21/2। तो 7 3 21 से 21 काट दीजिए, 2 4 काट दीजिए, 2 से इसको कट करेंगे कितना आएगा 11। अब 21 का 21 में गुणा करेंगे 441 और गुणे 11, तो इकाई का अंक एक कहाँ पे है, यही हमारा आंसर आना चाहिए। 11 कम 11 को 1 1 बचा, 11 चौक 44 एक 45 को 5 4 बचा, 11 चौक 44 और 4 48 हमारा आंसर क्या जाएगा 4851 घन सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट रहेगा इस वीडियो को आप अधिक से अधिक जरूर शेयर करें और पसंद आया हो वीडियो तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।